स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं दो इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है वो आपको समझाऊंगा और ये आपके एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। इन दोनों में से एक तो जरूर पूछा जाता है। देखिए, फर्स्ट रिलेशन क्या है कि 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सिंपल है कि जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका, यानी आपको रटने की जरूरत है नहीं। इसमें जैसे सिंबल दिए हुए हैं उन सिंबल का आप क्या करो, यूज करते जाओ। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करो, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करो। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी पे से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसके सिंबल मालूम है। तो मैं fx लेता हूँ और ये 1 प्लस डेल्टा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ fx को, तो fx और माइनस बैकवर्ड डिफरेंस डेल ऑपरेटर fx। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो fx है ये आपका बैकवर्ड ऑपरेटर सिंबल है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लगाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, fx माइनस fx माइनस है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, fx से fx कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा ये क्या बना, fx माइनस h। और 1 प्लस डेल्टा, आप तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन बताया था कि ये किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, e। और ये क्या है आपका, f x माइनस h है, तो e की पावर माइनस 1 होता है वो आपका क्या होता है, x माइनस h होता है। ये डेफिनेशन से e की पावर माइनस 1 किसका हुआ, फंक्शन का हुआ, f x का। e की पावर 1 और e की पावर माइनस 1 क्या होगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना होता है 1, और fx इधर भी, fx इधर भी है तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस डेल्टा के बीच में रिलेशन हुआ। बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार जो सेकंड रिलेशन है, देखिए इसमें क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों सिंबल काम में लिए जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड सिंबल fx इज इक्वल टू fx माइनस h माइनस fx, ये डेफिनेशन लगेगी। ये आपके बैकवर्ड सिंबल यानी डेल ऑपरेटर fx का लगाया तो ये इसके बराबर होता है। अब मैं यहां लेता हूं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसका ले रहे हैं, fx का ले रहे हैं। तो मैं यहां पे कौन सा सिंबल लगाता हूं, बैकवर्ड सिंबल ऑपरेटर लगाता हूं, फिर दोनों को क्या करता हूं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका fx फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर fx माइनस h। अब यहां मैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की क्या लगाता हूं, डेफिनेशन लगाता हूं, तो ये हुआ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। और ये आप बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस पे, किस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, एक्स माइनस एच पर, तो उसके आगे वाली वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स माइनस एच, ये भी डेफिनेशन लगाई। क्लियर हो गया, हो गया नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पे लगा रहे हैं उससे आगे वाली वैल्यू से माइनस हो रहा है, तो ये देखिए एफ एक्स माइनस है, इसके आगे वाली वैल्यू क्या होती है एफ एक्स, और किस पॉइंट पर है, एक्स माइनस एच पर है, ये एफ एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, fx fx कट गया और del fx माइनस del fx, fx को क्या लिया, कॉमन लिया, तो बैकवर्ड डिफरेंस ये fx fx कट गया, तो ये अपने रिलेशन हमें मिल जाता है। थैंक यू।